सॉरी गाइस फॉर दैट बिकॉज ऑफ माय एग्ज़ाम्स. एग्ज़ाम मेरे 5 अक्टूबर तक चल रहे हैं. सो ये भी बहुत मुश्किल से एडिट किया है वीडियो. मैंने एग्ज़ाम से पहले की एडिट की हुई है. सो हाफ ऑफ द वीडियो मैंने आज एडिट किया है सैटरडे को बैठ कर, इसलिए शाम को आई आज वीडियो. सो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको नवरात्रि है 7 अक्टूबर में. सो आपको नवरात्रों में देखने को मिलेगी. तब तक सॉरी गाइस बिकॉज एग्ज़ाम देने मुझे बहुत ज़रूरी. तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग. आपने बहुत सारा सपोर्ट किया मुझे. सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मेरी इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार दीजिए. षष्ठो अध्याय धूम्रलोचन वध. मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूं. वे नागराज के आसन पर बैठी हैं. नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है. सूर्य के समान उनका तेज है. तीन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं. वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है. ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया. दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहां ले आओ. उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना. ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया. वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल. यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा. देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है. तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है. ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ. ऋषि कहते हैं, देवी के यों कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा. तब अंबिका ने शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया. फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायकों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की. इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा. उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला. उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया. अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला. शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ. उसका ओंट कांपने लगा. उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी.
हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहां ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मय में धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय पूरा हुआ।